स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आपके जो फूड में फाइबर कंटेंट होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके फूड में जो है फाइबर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही कॉन्स्टिपेशन आपको कम होगा। तो याद रखिए, सैलेड फूड में बहुत ज़्यादा प्रयोग कीजिए, जैसे लाइक गाजर हो गया, टोमेटो हो गया, अनियन हो गया और मूली हो गया। आप जितना ही फाइबर फूड इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होगी। और पेट साफ रखने के लिए सबसे बड़ी समस्या फाइबर कंटेंट ही होता है। अगर फाइबर कंटेंट से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन यह पेट साफ करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए याद रखिए कि कभी भी खाना में अपने सलाद को ना भूलें। दूसरी अगर हम बात करें तो आपको जो है वॉकिंग करनी है। प्रॉपर अगर वॉकिंग आप करते रहेंगे तो आपका जो स्टमक रहेगा वो साफ रहेगा, जिसके कारण आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। अगर तीसरे की बात करें दोस्तों, तो वाटर इनटेक आपका 4 से 5 लीटर दिन में होना चाहिए। वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको रोज़ाना दही का उपयोग करना है। दही में प्रोबायोटिक होता है और यह आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।